अब इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है वेलकम इंफ्रानेट। जी हाँ, अब जियो एयरटेल जैसे विभिन्न कंपनियों को टक्कर देने के लिए वेलकम इंफ्रानेट अब शिवान में भी आ पहुंचा है। आपको बता दें कि दूसरे शहरों के अलावा अब शिवान में भी वेलकम इंफ्रानेट की सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में शहर के डीएवी मोड़ स्थित सिटी सेंटर मॉल में इसका भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शहर के मशहूर डॉक्टर भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में भव्य शुभारंभ हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दौर में इंटरनेट की ज़रूरत सभी को है। ऑनलाइन क्लासेस से लेकर सभी बिजनेस इंटरनेट से ही होते हैं। वहीं वेलकम इंफ्रानेट की खासियत होगी कि हम सबसे तेज स्पीड देंगे तथा अच्छी सर्विस देंगे, जिससे लोगों को सही समय पर सर्विस मिल सके और कम कीमतों में देंगे। दो तीन लोकेशन पे बिहार में काम कर रहे हैं, जैसे बेतिया और गया में, और गया और बेतिया में हम लोग का बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 6 महीना पहले भी सर्वे किए थे और 2 महीना पहले भी सर्वे किए थे, तो यही समझ में आया कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो कर लोग के यहाँ लग जाता है, लेकिन वहाँ पे सर्विस का इशू एक मेजर फैक्टर है। लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं और 3 दिन के बाद रिजॉल्व हो रहा है। तो हम लोग मेन कोई भी इस तरह का जो बिज़नेस है, इसमें बेसिक क्राइटेरिया है कि सर्विस आपका अच्छा रहना चाहिए। मार्केट में ऑलरेडी आपका एक कंपटीटर है? हाँ, मार्केट में ऑलरेडी हम लोग का कंपटीटर है, जैसे कि जियो है, और प्लस साथ में लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि फ्रेंचाइजी हैं, जैसे कि रेलटेल और BSNL के, इस तरह के लोग। इन लोग का है कि आज कंप्लेन हुआ तो टोल फ्री पे कंप्लेन हुआ तो उसके लिए इंजीनियर असाइन हुआ, और इंजीनियर असाइन होने के बाद मल्टीपल स्टेप्स है, जिसके बाद वो कंप्लेन एक इंजीनियर के पास पहुंचती है, और वो एस्केलेशन मैट्रिक्स इतना लंबा है। सर्विस प्रायोरिटी हम लोग कराएगा, चार्जेस कराएंगे। स्पीड अभी हम लोग जो बेसिक स्टार्ट किए हैं तो 650 में 20 MBPS का प्लान है, और 850 में 50 MBPS, 1350 में 75 MBPS। 1 से 2 महीने के अंदर इस स्पीड को अपग्रेड करके 20 वाले को 30 कर दिया जाएगा, और 50 को 100 करने का हम लोग का प्लान। हर तरह का स्टोर होता है, जियो का भी स्टोर है, रिलायंस का भी स्टोर है, और साथ में प्राइवेट लोकल। मेन है कि आप अगर अच्छा से सर्विस दीजिएगा और आपका संबंध अगर अपने कस्टमर से अच्छा है तो आप सर्वाइव करिएगा, वरना आप 200 रुपये का भी इंटरनेट दे के और सर्विस नहीं दीजिएगा तो लोग आपसे कोई लगवाएगा ही नहीं। तो रेट का अंतर, जियो का हर जगह रेट वैरी कर रहा है, तो ये रेट का भी एग्जैक्ट हम लोग को आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट रेट है। से नेट चले या फिर वही यही मेन हम लोग का क्राइटेरिया है कि किसी भी तरह से सर्विस की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपका इंस्टॉलेशन है और कंप्लेन है तो हम लोग का प्रायोरिटी कंप्लेन रहेगा, ना कि इंस्टॉलेशन। शिवान में हम लोग हर जगह स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और कुछ दिन में जब वहाँ पे फाइबर चला जाएगा तो वो वायरलेस से कस्टमर को फाइबर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2500 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज रखे हैं, जिसमें 1000 रुपया सिक्योरिटी वायरलेस से कस्टमर को फाइबर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2500 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज रखे हैं, जिसमें 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी है, बाकी 1500 रुपया में मिसलेनियस इंस्टॉलेशन चार्जेज एंड डिवाइस चार्जेज है। की जनता से कि हम लोग की भी सर्विस ट्राई करके देखें एक बार, अभी बाकी प्रोवाइडर से भी लोग चला रहे हैं, जाएगा कि क्या डिफरेंस है सर्विस वाइज, और जो आपसे वादा किया गया है इतना स्पीड का, वो आपको स्पीड आपको मिल रही है कि नहीं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तारिक सिद्दीकी हुआ, और वेलकम इंटरनेट के स्टार्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? और ये ब्रॉडबैंड सर्विस है, जिसके तहत वाईफाई की सप्लाई हर घर में देने का लक्ष्य बनाया गया है, और एक सच्चाई है कि वाईफाई कनेक्शन और ब्रॉडबैंड ये आजकल के दौर की सच्चाई है। अब चाहे ऑनलाइन क्लासेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, चाहे बैंक का काम हो, कोई भी काम अब विदाउट कंप्यूटर इंटरनेट, ये दौर ही उसी का है। तो उसी के तहत सिवान में शुरुआत किया है, पहले से इन लोग का अपना सिस्टम गया में चलता है, वहाँ पर लीडिंग इंटरनेट प्रोवाइडर है वहाँ पर, और सिवान में इन्होंने शुरुआत किया है सिस्टम को। मैं इनके लिए मैं संवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सिवान में एक तरह से हमारे मतलब सबका बेस बुनियाद ये ब्रॉडबैंड और वाईफाई ही है, तो कहीं ना कहीं ये उसके तहत भी आता है उसकी। सिवान में सर देखा जाता है कि स्पीड को लेकर बहुत सारे जो यहाँ पे ब्रॉडबैंड या फिर चेंज करते हैं, और प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते इन लोगों से उम्मीद रहेगी कि जो जो चीज़ कमियाँ हैं, जो चीज़ कमी के साथ जूझ रहे हैं, उस कमी को दूर करके ही यहाँ के लीडिंग बन सकते हैं, और इनको उस पर वर्क करना पड़ेगा।